स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 4 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस डिस्कस करने वाले हैं। जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ए और बी। जो ए कंडक्टर है उसको Q1 चार्ज देते हैं, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल जो है वो V1 हो जाता है। इसी तरीके से जो कंडक्टर बी है उसको Q2 चार्ज दिया जाता है, जिससे उसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। और C1 C2 इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस हैं। दूसरे फिगर में हमने क्या किया कि जो चार्ज जो हमारे कंडक्टर्स हैं उनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, जिससे चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो चार्ज है वो चेंज होकर Q1 हो जाता है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, और बी का जो चार्ज है वो Q2 हो जाता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस कंडीशन में जो कॉमन पोटेंशियल है वी, वो कितना होगा। कॉमन पोटेंशियल को हमने वी से इंडिकेट किया है, और बाय द डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि वी बराबर होगा टोटल चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज मतलब ए और बी के चार्ज को हमें प्लस करना है Q1 प्लस Q2 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब C1 प्लस C2। और बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2 जो है वो बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के। तो हमने यहाँ पर Q1 प्लस Q2 लिखा अपॉन C1 प्लस C2। अब हम जानते हैं Q1 बराबर होगा C1 V1 के, और Q2 बराबर होगा C2 V2 के। तो हमारा आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द टोटल पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हमें ये भी समझना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अगर चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट चार्जेस आए उनका रेशियो क्या है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इनिशियली जो हमारे चार्जेस थे वो Q1 Q2 थे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये Q1 और Q2 हो चुके हैं। तो हम जानते हैं कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के, और Q1 जो है वो बराबर होगा C1V, और Q2 जो है वो बराबर होगा C2V के, क्योंकि V जो है वो कॉमन पोटेंशियल है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो Q1 अपॉन Q2 बराबर हो जाएगा C1V अपॉन C2V। V से V कैंसिल हो गया तो C1 बाय C2। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन उनके चार्ज का जो रेशियो है उनकी कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डेफिनेटली इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। तो एक कंडक्टर है उसके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको, और जो बी कंडक्टर है उसका कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वो भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमें ये देखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब चार्ज तभी फ्लो कर सकता है जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि V1 और V2 बराबर नहीं होने चाहिए। अगर हमने ये माना कि V1 जो है वो V2 से बराबर है, बड़ा है, तभी जो है वो चार्ज फ्लो कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं जो कॉमन पोटेंशियल है वो V1 से तो कम होगा, लेकिन V2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं चेंज इन द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कंडक्टर ए के लिए। तो हमने यहाँ ब्रैकेट में ए लिख दिया, और इसको हम इंडिकेट करेंगे डेल्टा V1 से, क्योंकि V1 जो है वो ए का पोटेंशियल था। इसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना है V1, और इसमें से जो कॉमन पोटेंशियल है उसको माइनस कर देंगे, V1 की वैल्यू रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और फिर एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। तो ये प्लस की टर्म और माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसमें से हमने C2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली हम चेक कैलकुलेट करने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल ऑफ किसका, बी का, चेंज इन पोटेंशियल, और इसके लिए ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा बी, और इसको हम इंडिकेट करेंगे डेल्टा V2। लेकिन जो V2 है वो V से कम है, तो आपको V में से V2 माइनस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। इसमें भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें ये प्लस की और माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर C1 कॉमन आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2।
तो ये हमारी चेंज इन पोटेंशियल है किसके, कंडक्टर बी के लिए। अब इनका रेशियो भी, इस इक्वेशन को हम 3 बोल रहे हैं और इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, 4 बोल रहे हैं। तो हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है दोनों का, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए एंड चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी। अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो C1 + C2 कॉमन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 - V2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में ये रिवर्स होने के बाद हमारे पास में डेल्टा V1 / V2 जो है वो बराबर आ जाएगा आपका C2 / C1 के, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है कि हमें क्या, जैसे हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि जब हम जो आइसोलेटेड कंडक्टर्स होते हैं और उसके बाद में हम उनको कंडक्टिव वायर से कनेक्ट करते हैं, फिर जो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जो है एनर्जी लॉस भी होता है। तो एनर्जी लॉस क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है और कितना एनर्जी लॉस होने वाला है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द एनर्जी लॉस, ठीक है, एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जो हमारे चार्ज कंडक्टर्स थे जब उन्होंने उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया था, तो इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विथ लो पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो जो लो पोटेंशियल पे जो कंडक्टर था, यानी कि जो बी कंडक्टर था, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। देन टू गिव चार्ज टू दिस कंडक्टर, इसको अगर हमें और चार्ज देना है तो हमें वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर एंड द चार्ज टू बी गिवन टू द कंडक्टर। सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, जिससे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है एंड दिस डिक्रीज इन एनर्जी, जो एनर्जी हमें डिक्रीज हो रही है वो हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द वायर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स विथ ईच अदर। अब हमें ये एनर्जी लॉस निकालना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो दोनों कंडक्टर्स की पोटेंशियल एनर्जी का हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो बराबर हो जाएगा हाफ C1V1² + ½ C2V2² लेकिन अब हमें आफ्टर कनेक्शन निकालना है। अब आफ्टर कनेक्शन जो है हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। अगर हम आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, इसको हमने U डैश इंडिकेट किया है, तो ये बराबर हो जाएगा C1V² + ½ C2V² क्योंकि V जो है वो कॉमन पोटेंशियल था। तो उसके हिसाब से अगर हम इसमें से C1V² कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ½ C1 + C2V². इसके बाद में हमें V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, V बराबर है आपका C1V1 + C2V2 / C1 + C2। तो ये हमारे पास में U डैश आ रहा है C1 + C2 और इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा C1V1 + C2V2 / C1 + C2² उससे ये वाली टर्म, और इसमें एक पावर है, इसमें दो पावर है, तो एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका C1V1 + C2V2 / C1 + C2। दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। अब हमें हमें एनर्जी लॉस निकालना है। तो नॉर्मली हम एनर्जी लॉस को किससे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा यू से, यानी कि बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन जो एनर्जी है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। डेल्टा यू बराबर हो जाएगा U - U डैश। अभी हमने यू निकाल लिया, यू डैश भी निकाल लिया, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ½ C1V1² + ½ C2V2² ये U हो गया और इसमें से हम U डैश को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा C1V1 + C2V2 / C1 + C2। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से जो है कि हाफ C1 + C2 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका C1 + C2 और उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा C1 square V1 square + C1 C2 V1 square + C1 C2 V2 square + C2 V2 square। C1 को इससे मल्टीप्लाई किया
उसके बाद में C1 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर C2 को इससे मल्टीप्लाई किया, C2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चार टर्म्स आ गई। उसके बाद हम इन टर्म्स को लिखेंगे, इसमें आपका C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम इसको C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, इसी तरीके से ये C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास में C1 C2 कॉमन निकल जाता है, तो हमने यहाँ पर C1 C2 कॉमन निकाल दिया, तो ये V1 स्क्वायर हो गया, ये जो है V2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अब हमें यहाँ आइडेंटिटी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। दिस इज़ द चेंज इन द एनर्जी। तो हमारा लास्ट फाइनल फॉर्मूला आ रहा है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, एंड दिस इज़ द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एंड आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। दिस फॉर्मूला विल गिव यू द देयर विल बी लॉस इन एनर्जी। और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 4 है वो कम्प्लीट हो जाता है।